नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर और मैं ललित धमानिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जितना भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ने आपको स्टडी कराया, जितना मैंने मैथमेटिक्स में स्टडी कराया, उससे बाहर कुछ भी आपको नहीं मिला। तो गणित का सोल्यूशन को लेकर मैं आपके सामने हूँ। तो शुरुआत करते पहले क्वेश्चन की। समीकरण वाई इज इक्वल टू 7x-2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य की बात करते हैं। अगर देखिए वाई इज इक्वल टू 7x-2 आपको गिविन है, तो समझ लीजिएगा ये दोनों इक्वेशन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो इसके हल कितने होंगे? इसके अनंत हल होंगे, यानी इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 49 टू द पावर 15 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? तो आप क्या देखेंगे भाई, अगर मैं इसका यूनिट प्लेस निकालूं तो इसका कितना मिलेगा? 9 की पावर 15। यानी हम क्या देखते हैं भाई, 9 टू द पावर 15 का मतलब क्या होता है कि 9 टू द पावर 12 इंटू 9 टू द पावर 3। तो 3 तीन होती है 27, 7 टू 9 में से एक घटे तो लास्ट में 8 आएगा, यूनिट प्लेस पर 8 आएगा। और 8 के मल्टीपल में 50 नहीं आता, 29 नहीं आता, तो ये दो संख्या बचेंगी। ये दो ऑप्शन थे, तो ऑप्शन क्या है? सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये तय है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि cos 35° - sin 120 और cos 150, इसको अगर सॉल्व किया जाए cos 90+θ मान करके, तो आप इसको, वैसे मैं आपको बता दूं सॉल्व भी कैसे कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। यहां पर आप क्या करेंगे, 180 माइनस का 45, यहां पर क्या करेंगे आप, 210 को क्या लिख सकते हैं, आप 210 को क्या लिख सकते हैं, ऐसी साइन लिख सकते हैं, साइन 180+30। और जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा √3/4, क्योंकि अभी सिर्फ आंसर बता रहा हूं, सॉल्यूशन बाद में डिटेल सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को, पहले समझ लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर कैसे है। 94 देखो, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना, इतना है। तो उसने वर्गमूल पूछा था, तो अगर मैं 9 का वर्गमूल करता हूं, आप देखिए अगर मैं 9 का वर्गमूल निकालता हूं तो क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ जाता है। 93 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, सॉरी 94, इट्स 94 की बात करें तो क्या हुआ, अगर देखो 9 * 81 की गुणा करो तो इसके बाद 83 की मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने नया क्वेश्चन क्या होगा। चलिए अभी देख लेते हैं नया क्वेश्चन। तो नया क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरह से होगा, 94 और 95, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 94 हो गया 95। अब देखिए अगर मैं यहां पर क्वेश्चन सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है, क्या करना था कि x = 3 पुट कर दें इसमें, तो इक्वेशन निकल के PQ के मान के आएंगे, आप आसानी से फोर्थ ऑप्शन पा लेंगे, -5/3 × 4। कोई प्राकृत संख्या एम के लिए गुणनफल, अब देखो एम इज इक्वल टू, आपने यहां पर 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, कुछ भी पुट कर लें, जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 3 से कटेगी। आप चाहे तो देख लो, 1, 2 और 1 3, 4 और 1 5 15, 3 से कटती है, 2 पुट करेंगे तो भी 3 से, 4 पुट करेंगे तो भी, तो राइट ऑप्शन ये। इसको देखते हैं, यहां पर लिखा है 9/7 टू द पावर -3। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा भैया, देखो यहां कर देता हूं 97 को, तो यहां पर सिंपल लिखे 7/9 लिख सकते हैं, इसकी पावर माइनस का 3 हो गया सवाल, और ये हो जाएगा 2x - 6, तो ये क्या हो जाएगा, +2x - 6 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 9। और 2x की जगह इसमें, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे भाई, 7/9 की पावर 2 की पावर 2x - 6, यहां कर देंगे 2x - 6। तो टोटल सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर कितना निकला, 6, राइट आंसर 6 आप इसका लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। ये रहा आपका नया क्वेश्चन जो आपके सामने रख रहा हूं मैं, 97। तो 97 क्वेश्चन की बात करें तो क्या था, ये तो हो गया भाई 97। तो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ और नीचे आते हैं नए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने आ रहा है। चलिए देखिए, एक छाता है, ये क्वेश्चन समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि भाई एक छाता दिया है, आप सब समझिएगा ये समद्विबाहु हो गया, क्योंकि भाई ये भी 50, ये भी 50 और सब 50 है और ये 20 हो गया। तो आपको शायद याद आ रहा होगा एक समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ए होता है वो होता है, आपने शायद सॉल्यूशन भी इसका पूरा किया हो कि अगर आप इसको निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है भाई √4/3 × b² और यहां पर आप निकालते हैं 4b² और आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर सिंपल सिंपल देखा जाए तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज
टू, ऑप्शन नंबर टू, 1000√6 आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते थे, 1000√6 से ये आसानी से निकल जाता। ठीक है, आगे बढ़ें। हालांकि मैं इसको सॉल्व कराने का समय थोड़ा सा लेना चाहूँ तो आप आराम से कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको आप ऐसे करिएगा, a इज इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन 4 इंटू बी स्क्वायर, 4b² माइनस ए, जहां पर b जो है वो कॉमन भुजा होती है। पुट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आप यहां पर पुट करेंगे ऐसे कि भाई आपने देखा तो 20/4 इंटू 4 गुणा बी स्क्वायर कितना है भाई, 20 की गुणा कर दे तो 2550 था ना, वो 2500 और माइनस का 400 यानी 9600 यहां पर आ जाएगा, 2500 का 100 ये हो जाएगा 200√ निकाला आपने, 200√6। और उसने कहा था कितने थे, 10 त्रिभुजाकार में से अलग अलग कर रहे थे तो 5 ही हो गए, तो 5 की गुणा कर दो तो 1000√6 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 90 ये हो गया है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है आपके सामने ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, द्विघात समीकरण। देखिए आप सबको पता है मूलों का रूट जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, 1/α + 1/β। अगर व्युत्क्रम निकालना हो तो व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे भाई, आपने निकाला अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा बराबर प्रॉपर्टी आएगी ए इज इक्वल टू सी। एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 100% था वो 200% हो गया है ना, 100% था तो 10 वर्षों में तो ब्याज कितना मिला 100%, तो देखा तो 10% इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर टू। इसको देखते हैं, त्रिभुज का अंतःवृत्त का केंद्र दिया है तो सबको पता है भाई त्रिभुज का अंतःवृत्त जो होता है वो डिवाइड करके बनाते हैं ऐसे, यहां से आपने डिवाइड करके अंतः केंद्र बना दिया और अंतः केंद्र बनने के बाद क्या हुआ, आपने देखा ये कोण 110 का तो ऊपर वाला कोण कितने का हो जाएगा भाई, आपने कहा 55 का होगा, आधा कोण होता है तो राइट ऑप्शन 55। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने ये रहा और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 102 के बाद 100 देखो किसी संख्या के 75% में, तो सपोज वो संख्या क्या है भाई आप देख लीजिएगा, वो संख्या की बात बता दें तो वो संख्या सपोज एक्स थी, ठीक है ना, तो एक्स का देखते हैं। हाँ बताओ कितना, ठीक है तो ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हुआ आपने देखा x इंटू 75/100 प्लस 75 बराबर x हो जाएगा, सॉल्व कर लो भैया इसको आसानी से आपको पता लग जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, निकाल सकते हैं ना 102 का आंसर आसानी से। तो आपने 102 का क्या आंसर निकाला, 300 इज द राइट आंसर, सॉल्व कर लीजिएगा 300 मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं, 2 की घात 50, 40, 30 और 20, तो भाई 2 की घात 50 इसमें कॉमन डिफरेंस 10 का, 2 की घात 5 गुना 10 कर लूँ, इसको ऐसे 3 की घात 4 गुना 10 कर लूँ, इसको देखा जाए तो 4 की घात 3 गुना 10 कर लें और इसको क्या कर लें 5 की घात 2 गुना 10। अब देख लो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 2 × 4 × 16 = 32, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 25, सबसे बड़ा 81 यानी ये वाला बीच वाला, तो सबसे बड़ा कौन सा है 3 वाला 40, 3 की घात 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं नया प्रश्न, बार बार बोल रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस ये है कि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, कि आप अपने आंसर्स को चेक कर लें, इसके बाद हम उसका डिटेल सॉल्यूशन लेकर आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन चक्री चतुर्भुज का दिया हुआ है, इसको समझिएगा क्वेश्चन को बहुत आसानी से है, क्या कि चक्री चतुर्भुज बनाता हूं ऐसे, उसने कहा इसका व्यास जो है ए बी है, तो यहां पर देखिएगा ये इसका एंगल हो गया और ये इसका एक और एंगल और ये वाला एंगल यहां बन गया, तो इस कोण की बात कही थी ये सी है, तो अगर मैं इसको देखूं तो उसने क्या कहा है कि भाई ये जो कोण होता है ये यहां से जो इसका मिलाते हैं कोण ए सी बी बोला गया है, तो इसको देखिएगा ये जो एंगल होता है ना दोस्तों, ये तो आपने बता दिया, इसने दे दिया 40 का, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है कि व्यास पर खींची गई जीवा से डाला गया जो होता है लंब होता है 90 डिग्री का, ये हो गया, तो जब 90 और 4 ये हो गया तो आमने सामने का कोण होगा कितना होता है 180, तो 90 और 40 कितना हुआ 130, और ए और सी का टोटल 180 होना चाहिए, तो 180 में से 30 घटाया तो 50 डिग्री इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखियो यहाँ पर अधिकतम मान, तो एक्स का मान ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 5 और वाई का मान अधिकतम कितना हो सकता है 10, तो अगर 5/10 कर दे तो कितना होगा 1/2 राइट ऑप्शन, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है नीचे, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि एक बेलन अर्धगोला एक ही आधार ऊंचाई का बने हुए हैं, तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है। अब ये सपोज करते हैं एक यहां बना रहा हूं ऐसे, देखिएगा ये एक बेलन है ना, इसका ये हो गया
इस पर ही एक शंकु बना है जो यहाँ से मिलकर बना है, और इस पर एक अर्धगोला बना है जो इस पर बना, सबका बराबर है। तो क्या होगा अगर देखा जाए बेलन और शंकु और आपस की हम बात करें, तो आप सबको पता है कि बेलन शंकु की बात करें तो ये होता है 2πRh रेशो πRL रेशो 2πR स्क्वायर। तो सबको काटे तो 2 2 1 आ जाएगा ना यहाँ पर, तो आपने 2 2 1 निकाला, इसका मतलब 2 2 1 राइट ऑप्शन थर्ड। इसको देखते हैं 107 को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं कि भाई 15% की हानि, तो दो लाभ और हानि, तो 15% की हानि 15% का लाभ दोनों हुआ 30% बीच का, 30% का यानी दोनों का डिफरेंस 30% किसके बराबर 450 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 1500 रुपए के बराबर, जो कि यहां पर दिया ऑप्शन नंबर 4। 108 की बात करता हूं, एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे होता है, ये दे दिया, उसने कहा ए बी सी में, अब ये समकोण त्रिभुज था ऐसे वाला, इसने कहा ए बी सी 90 डिग्री का दिया, तो भाई सिंपल सी बात है ये तो 45 के बन गए। और तो क्या होता है अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो क्या भाई ये बराबर है दोनों इसकी, ये ए और ये भी बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कर्ण का वर्ग इन दोनों का, अब दोनों बराबर यही तो हो गई, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर, वो यहां पर लिखा था, कहां पर लिखा ये रहा ए सी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नया प्रश्न क्या है आपके सामने। 108 हो गया, 109 की बात करते हैं, किसी व्यक्ति का क्वेश्चन क्या था कि वृत्ताकार पथ का 4/5 मिनट में करता है, यानी 4/5 भाग करता है मिनट में, तो 4 भाग कितना करेगा 5 एम में, और भाई 1 भाग कितना करेगा 5 एम बटे 4 में, राइट ऑप्शन 5 एम बटा 4 यानी 4। इसको देखते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर जेड है, तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पर उसने कहा x अपॉन वाई जेड, इसका वैल्यू निकाल कर आपको बताना था, ठीक है। तो 110 के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उसका राइट ऑप्शन होगा 1, और 1 कैसे निकला वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकला है, कि अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी क्या, कि भाई आपने देखा यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 2z, ये 2z है ना, तो यहाँ से आपने क्या निकाला, यहाँ से आपने z का वैल्यू निकाला, तो x प्लस वाई अपॉन 2 हो गया। अब इसमें भी z का वैल्यू पुट कर दो, इसमें भी z का वैल्यू पुट कर दो, आपको एक आंसर मिल जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाए 50% तो उसके पार्श्व क्षेत्रफल में, तो भाई गोले का जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr² यानी r स्क्वायर, ये तो कौन हो गया 50% किससे निकालना है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से, तो 50 + 50 + 50 × 50/100 तो भाई 5×5 = 25 यानी 125% होना चाहिए, राइट ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 100 नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और ये रहा आपका नया प्रश्न जो आपके सामने मैं रख रहा हूं यहां पर, 112 क्वेश्चन, इसको डिलीट कर देते हैं। 112वां क्वेश्चन क्या कहता है, 112 कहता है देखो x is equal to 1 और y is equal to 1, तो भाई अगर ऐसे बनाए तो ये 1 तो दोनों मिलेंगे, तो यहां पर काटेंगे तो ये भी तो 1 1 हो गया, तो इसके कौन बनेंगे 1 1, राइट ऑप्शन 1। नेक्स्ट धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य, भाई दोनों संख्याओं को जोड़ो तो बटे दो कर दो, तो भाई यहां देखो 16×4 = 20 का तो 10 होगा, 8×4 = 12 का कितना 6 होगा, 4 × 2 का कितना होगा 3 होगा, लेकिन 9 + 1/2 करेंगे तो 5 आएगा जो उसने बोला, और गुणोत्तर माध्य क्या होता है रूट ए बी, तो 9 × 1 का स्क्वायर रूट यानी 9√3, राइट ऑप्शन आपको समझ में आया ऑप्शन नंबर 4। अब देखो दो घनों का अनुपात, अब घन का अनुपात की बात करें तो घन के आयतन होते हैं a³/a²³, वो दे दिया आपको 27/64 यानी देखा जाए तो a₁/a² बराबर क्या हो जाएगा 3/4 क्योंकि 3 3 होती है 27 क्यूब से क्यूब कट गया, तो a/a बराबर 3/4 आपको मिल गया है। उसने पूछा है इनके संपूर्ण पृष्ठ, तो वो होते 6a²/6a²² स्क्वायर करते हैं 3 3 9 16, तो 9 16 होना चाहिए, राइट ऑप्शन 1। क्वेश्चन आपके सामने एक और लिखा है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या था, ये रहा ऊपर चला गया क्वेश्चन, आगे देखते हैं ये रहा। हाँ अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक स्टेप बताऊंगा फिर आप आगे करिएगा, ठीक है ना। तो x^4 + 1/x^4 = 14 है, तो मैंने क्या काम किया x²+1/x² का मैंने होल स्क्वायर किया, तो वो क्या होता है x^4 + 1/x^4 + 2 × भाई 1/x² से x² कट जाएगा, इसका वैल्यू आपको पता है 14 दिया है, तो x² + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 + 2 = 16, इसका होल स्क्वायर था, इसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 16√4। ऐसे ही आप निकालेंगे x + 1/x की वैल्यू और पुट कर देंगे जो आएगी √6, और पुट कर देंगे किसमें, इस जब इसको निकालते तो प्लस में होता है माइनस, यानी p³ - 3p, आपका ऑप्शन आ जाएगा 3√6, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें भी, तो राइट ऑप्शन ए बी सी।
क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की, और यहां पर देखते हैं 116, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है, वो कह रहा है तीन चिड़िया बैठी। अब यहां पर देखो भाई, सिंपल सी थ्योरी थी कि यहां पर तीन चिड़िया है, 3, 7, 5 के अनुपात में, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। उसने कहा कि भाई 9 और 7 के गुणज में है, तो 9 और 7 का गुणज देख लो, ये तो होता नहीं, ये नहीं होता, ये होता है, ये होता है, 9 और 7 का गुणज। तो देखा तो राइट ऑप्शन क्या मिला, तो उसने कहा संख्या जो है 9 और 7 के गुणज में है, कि दोनों का अंतर B1 और B2 की संख्या का जो अंतर है, यानी ये वाला जो अंतर है, तो भाई 7 माइनस का 3 बराबर दोनों के गुणज का 9 गुणा 7 का मल्टीपल है, तो 945 इसका सही जवाब होगा। इसको देखते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहां पर देखो x की वैल्यू अगर आप निकालें तो 1/2√x होगी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, मुझे तो लगता नहीं कि शायद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी, और आप क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ ये रहा आपके सामने, नया क्वेश्चन क्या है भाई देख लेते हैं।